फिर से एक अच्छी क्वेश्चन क्लियर कीजिएगा। रेशियो दो दिया हुआ है निश्चित राशि मात्र, अब आंसर निकलेगा कि नहीं निकलेगा इसकी बात करें। तो निश्चित राशि दूरी दिया हुआ अज्ञात भी करना है इसलिए आंसर निकलेगा, और निकलेगा तो निकालने की तरीके दूरी का रेशियो चाहिए मुझे, दूरी का तब ना टोटल दूरी का तुलना दूरी से। चाल का रेशियो दिया हुआ है, समय का रेशियो दिया हुआ था, चाल गुने समय करेंगे दूरी निकल जाएगा, तब 20 गुने एक जल्दी बोलिए आगे, एक गुने 16 आगे, 3 गुने 2। अब केवल इसकी रेशियो से मतलब है, कटता है तो काट लीजिए, ना भी काटेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। टोटल दूरी है 1939,990, यहां टोटल जोड़िए, टोटल का तुलना टोटल। आगे पूछ रहा है नाव द्वारा तय की गई दूरी, मतलब तीन से सात पचे पैसठ है, यानी आंसर 500। फिर भी मन में कोई बात है तो रोकिए, ऐसे ज्यादा अच्छे से कहीं समझा देता है तो आप मुझे गाली देके चले जाइए। अच्छा ये लंबा में लिखल है इसलिए डर गए आप, देखते हैं। अजीत ने विशाल विजय विकास और विक्रम के बीच 22 चॉकलेट वितरित किए हैं। विशाल और विकास का रेशियो दिया हुआ 4:7, विशाल और विकास का, और विजय और विक्रम द्वारा दिया हुआ 2:3, कि दोनों में कोई कॉमन नहीं है कि रिलेशन पैदा करिएगा। आगे लेकिन आगे कर रहा है कुछ, पाई का मान ज्ञात करिए, यदि विजय द्वारा प्राप्त चॉकलेट की संख्या विशाल से 50%, विजय जो है विशाल से 50% क्या है, तो चलिए अब सिखाते हैं। बी लिख दिया इसलिए आपको और दिक्कत हुआ है, नाम पहले लिख ले विशाल, उसके बाद ऊपर लिख रहे हैं विजय विकास विक्रम, एक लाइन में रेशियो लिखने की तरीके सिखा रहे हो, सीखिएगा। 4:7 किसका रेशियो, विशाल और 4:7, कुछ गड़बड़ तो तुरंत बोलिएगा। अगला अगर चाहते हैं कि हमको ज्यादा टेंशन नहीं हो तो इसी दोनों से कोई नाम पढ़िए, तो यहां लिखा हुआ है देखिएगा, विजय द्वारा प्राप्त चॉकलेट विशाल से 50%, इससे 50% अधिक, यानी कितना आया भी समझ में। आगे विजय और विक्रम का 2-3 है, विजय और विक्रम का 2-3, बताइए 2 तो 3, ये 3 से गुना नहीं 6 तो 9, लगता है 9 नहीं समझ में आया, नहीं आया, 2 और 3 में है तो 2 का 3 गुना, तो 3 का भी 3 गुना, समझ में आया, और उतना भी नहीं समझ में आया तो ऐसे हम लोग भागते हैं 2-3, मतलब इसका तुम भागा तो 2 से गुना करो 3 से, 2-3 का मतलब होता है जो दिया हुआ उसमें 2 से भाग दो और 3 से, तो 2 से भाग दो 3 3 8 9, धीरे धीरे बहुत सारी चीजें आएगा, लेकिन रटिए उठिएगा नहीं, कैसे होता जैसे करना करिएगा, और दिक्कत हो टाइम टेकन हो तो पूछिएगा। अब रुकिए, 18 किसका दिया हुआ जल्दी देखिए, विकास द्वारा प्राप्त चॉकलेट की संख्या विक्रम से 18 कम है, विशाल जो है विक्रम से 18 कम है, कहा जल्दी देखिए, अच्छा विकास था, विकास जो है किससे 18 कम है, यहां कितना कम है निकालना, 22 का मान मतलब टोटल चॉकलेट 9, 7, 16, 6, 22 और 4, 26, 26 9 2 3 4, हम लोग बचपन में याद किए थे, आ गया। पहला दूसरा का रेशियो 8:9, दूसरा तीसरा का रेशियो 3:4, तो एबीसी का रेशियो बिना कुछ बोले बताइएगा, एबीसी का रेशियो जल्दी बोलिए,
आठ नौ और बोलिए बारह। लिखने आता है जिनको सी नहीं लिखना आता उसको सिखाते हैं। दूसरा तीसरा करे सी तीन चार, मतलब तीन से भाग दो और चार से। आया भी समझ में? बोले डेली तो चेंज करते करते सीखे, जो आसान लगे वो रखना बाकी को। बोले आसान वाली चीजें क्यों नहीं बताते? तो एक ही चीजें सब जगह लगती नहीं है। तीन से भाग चार से गुना कर दिया, तीन से कभी कलाल नहीं कटेगा तो गाली दीजिएगा ना, पहला का भी याद रहना चाहिए। फिर से पहला तीसरा का गुणनफल है 2400। 2400 किसका गुणनफल है? यहां पहला तीसरा गुणनफल आठ गुने 12, लेकिन गुणनफल हो गया तो वर्गमूल सिखाए थे, और नहीं याद है तो एक्स मान के बताऊंगा। क्यों वर्गमूल? क्योंकि दोनों को गुना करेंगे तो मीटर गुने मीटर, मीटर स्क्वायर आ जाएगा, तो मीटर निकालने के लिए स्क्वायर रूट करना पड़ेगा। निकालनी है दूसरी संख्या कैसे गुना? चलिए 12 दुने 8 से 25, 25 का वर्गमूल 9 पचे, जवाब क्या है बन जाएगा। एक फल विक्रेता बड़े मध्यम छोटे साइज के सेव क्रम से 15 रुपए, 10 रुपए और 5 रुपए के हिसाब से बेचता है। बड़ा सेव 15 रुपए पीस, छोटा मंझला 10 रुपए, छोटा वाले 5 रुपए। कुल बेचे गए सेव की संख्या 3, 5, 3, 2, तो बताइए एक सेव का औसत मूल क्या पूछ रहा है? तो एवरेज मूल का मतलब टोटल मूल्य बटा टोटल संख्या। तीन सेव 15, दो सेव 10, 2, 65, 5 कितना बटा टोटल सेव 5, 2, 7, 3, 10, अर्थात कैसे हो गया? एवरेज पढ़ाएंगे तो ये सब की जरूरत नहीं, देखते के साथ बताएंगे। एवरेज के तरीके कुछ और होता है। एक व्यक्ति 380 केजी चावल में से कुछ चावल और कुछ गेहूं खरीदता है। चावल गेहूं के वजन का रेशियो दिया हुआ है, जल्दी बोलिए। 4:3 उनकी कीमत दिया हुआ है, 5:6 तो चावल में कितने खरीदा गया? अब रुके, रेशियो 2 और निश्चित राशि मात्र। तो कुल रुपया दिया हुआ है जिसमें चावल का रुपया पूछ रहा है, इसका मतलब आंसर निकलेगा का कुल मूल्य का रेशियो चाहिए। चावल है विद्यार्थी जी 5 रुपए किलो और 4 किलो यानी 520, गेहूं 6 रुपए किलो और 3 किलो 36। अब चाहे काटना तो काट भी सकते हैं, नहीं भी काट सकते हैं। चावल का निकालना 20 से गुना अर्थात आंसर 200। अब जो पढ़े तो उसके अनुसार तो धज्जी उड़ रहा है। रेशियो 2 निश्चित राशि मात्र, 380 रुपया कुल मूल्य दिया हुआ है जिसमें चावल का कुल मूल्य चाहिए। कुल मूल्य का रेशियो निकालेंगे तो चावल 5 रुपए किलो और 4 किलो 520, वजन मतलब किलो ना, 6 रुपए किलो और 3 किलो नहीं छोतिया 18। और मन में फिर भी कुछ है तो पूछिएगा। जब दो या दो से अधिक राशि आपस में बराबर हो तो अनुपात प्रकट करने के लिए कोएफिशिएंट को उलट देते हैं। बराबर करने के तरीके भी तो सिखाए थे, रुक जाइए। ये कितना है 0.5, 0.6, 0.75, दो दो अंक है तो मन ही मन दो दो अंक सोचिएगा समझाने के लिए। अब सोचिए 50, 60, 75 से कटने वाली राशि 300 लाने के लिए हो जाएगा 6, 5, 4। एबीसी का रेशियो लिखे हो समझ में आया? दशमलव दो अंक दो अंक दो अंक, दशमलव से दशमलव से दशमलव खत्म। अब सबको लाने के लिए 300 लाने के लिए यहां 6, यहां 5, यहां 4, यस या नो? थोड़ा टेढ़ा में होता हूं, उपाय है ना? समझ में आया तो बोलो सही है। देखो बोल रहे हैं बता दीजिए, जानते हैं कि खाली ऐसे बोलते रहते हैं, बोल रहा है बता देते हैं, टेंशन नहीं ले। 1740 है टोटल, यहां टोटल जल्दी जोड़िए 15, टोटल का तुलना सी का निकालना। चलिए 15 का 15 बाकी 2, 15 6 90 यानी 464,
आ गया, चलिए जो बोल रहे हैं उनके लिए। 0.5 का मतलब 1/2a होता है विद्यार्थी जी, 0.6 का मतलब 3/5, 3/5 होता है, 0.75 का मतलब 3/4 होता है, नहीं होता है तो भी बोलिएगा। दशमलव हटाने के लिए 10 से भाग, 5/10 का मतलब 1/2, 10 से भाग, 6/10 का मतलब 3/5, 100 से भाग तो 25 75 25 100। अब जल्दी से रेशियो लिखने के लिए 3 3 1 से कटने वाली राशि 3, 3 लाने के लिए 3 से गुना 2 पर 3 2 6, 3 तो है ही है 5, 3 तो है ही है 4, क्या यही रेशियो लिखे थे? आपको आसान चीज नहीं पचता है क्या? अगर आप घर बैठे कम पैसे में अपनी परीक्षा की अच्छी तैयारी करना चाहते हैं तो प्ले स्टोर से स्टडी ट्रेंड ऐप डाउनलोड करें।